ਸੋ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਵਰਿੰਦਰ ਬਿੱਟੂ ਮੁੰਡਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। अच्छा उन्हां दी वीडियो दे विच्चों साफ कह रहे ने कि जेड़ा ए बैनर लग्या होया वो मैं लीगल परमिशन लैके लाया। परचा भाई जी कीते होना चाहिदा सी, परचा उन्हां ते होना चाहिदा पहला तो जिन्हां ने वह बैनर फाड़िया क्योंकि उन्हें पैसे खर्च करके परमिशन लैके लाया। फिर परचा उन्हां ते होना चाहिदा सी जिन्हां ने हुक्म दिते भी इस बैनर नूं फाड़ो। बैनर फाड़न नाल तुसीं बंदे दी सोच नहीं पाड़ सकदे, खत्म कर सकदे। सो ए तके शाही फिर इन्हों मिर्चा त लगियां सारियां नूं क्योंकि मुंडे ने साधु सिंह धर्मसोत नूं चोर कह दिता सी। मैं अनमोल गगन माणे कह रही हाँ कि साधु सिंह धर्मसोत चोर है, बच्चों के लोड़वंद बच्चों के दलित गरीब बच्चों के वजीफे खाण वाला बंदा साधु सिंह धर्मसोत चोर है। लो गिरफ्तार करो, जुरत है तो गिरफ्तार करके विखाओ। पंजाब का कला कला नौजवान उठ के कह सकता कि साधु सिंह धर्मसोत चोर है? जुरत रखते हो कि तुसी अपने तो कमजोर बंदे उत्ते जाके जुल्म ढाउणा जानदे हो? आजो इत्थे आके पंगा लाओ, तुहानू दसदे आ चोरियां कर कर पंजाब बर्बाद करता वीर इन्होंने एक एक मंत्री ने एक एक सौ सौ घोटाले किए हुए ने। इन्हों तो अज तक वह बंदा जेल अंदर नहीं दिता गया साबित होने के बावजूद। सो जिहड़े बेबुनियाद इल्जाम पंजाब दे उसारू नौजवान जिहड़े समाज कुछ करना चाहुंदे आ इस तरीके आवाज बुलंद करन गए असीं बैठे आ। समझण कि आम आदमी पार्टी वाले ने कुछ बोलना नहीं, ये चोर ने झूठ के सिर ते पैरा, असीं सच बोलांगे ते दलेर आ। असीं कफन बन के ही घरों बाहर निकलते हैं, किसी चीज़ का डर नहीं आ। पंजाब नूं उहदे हक दवा के रहने आ। नौजवानों उत्ते जिहड़ा तशद्दुद आ, चाहे वह साडी पार्टी का, चाहे बाहर का नौजवान आ, चाहे किसी होर पार्टी का, जिहड़ा भी नौजवान समाज की भलाई सोच रहा, समाज की भलाई लई आवाज बुलंद करता, आम आदमी पार्टी उन्हां लई खड़ी है, साडा यूथ विंग साडे लीडर्स उन्हां लई खड़े ने। सो डरपोकां नूं मैं कहना चाहुंदी हाँ कि इस तरीके साडे जिहड़े जिले प्रधान ने जां होर वलंटियर्स ने उन्हां उत्ते अपनी जोर अजमाइश करनी बंद करो। अपने जिहड़े तुहाडे गुनाह ने लोकां सामने, चाहे तुसीं कचहरियां च छुट जांदे हो पर लोकां दी कचहरी तुहानूं माफ़ नहीं करूगी। अगे इलैक्शन आ रही आ, उत्थे तुहाडा जलूस निकलना क्योंकि लोक अवेयर हो चुके आ। सो मेरा वीर, मैं सारे पत्रकारां नूं भी कहिंदी आ कि इन्हां दे खिलाफ़ दब के साडे लोकतंत्र दा थंम हो तुसीं चौथा थंम, ते तुहाडी आवाज़ दे नाल तुहाडे निरपक्ष हो के बोलण दे नाल इंसाफ जरूर होना। तुहाडे हत्थ 'च बहुत कुछ आ ते असीं सच बोलते हैं, सच के नाल खड़े हैं। जिदण तुहानूं लग्या कि ये बंदे ने आ बोलिया सी ते आ कीता नहीं, जो मर्जी आके सवाल चक्यो, जो मर्जी जिदा मर्जी का क्वेश्चन कर सकते हैं। पर आखिरी मौका हुण कुछ महीने रह गए आ, इन्हां दी सत्ता असी सिटनी, असी पंजाब नूं, सानूं पार्टी जिताउण दा नहीं आ, असी पंजाब जिताउणा सी, पंजाब नूं जिताउण लई खड़े हाँ, डुबदे हुए पंजाब नूं, तां कि सारा पंजाब खाली हो के अमेरिका कैनेडा ना चल जाए। साडी ये मीर धरती जिहड़ी इहनां दी साजिश है कि पंजाब नूं खाली कीता जाए, इदां नहीं खाली करांगे। सो पुलिस प्रशासन नूं कहिंदे आ कि थोड़ा जिहा संभलो, थोड़ा जिहा देर ना हो जाए इस तरीके इन्हां दे बहकावे विच आके दबा हेठ आके जिवें नौजवानां नूं चक रहे ने, यह गलत है, गलत आ मेरा वीर। भाजी वह गल आ कि असी चार बंदियां ने एक बिजनेस स्टार्ट कर लिया ते अपना एक मैनेजर रख लिया, उन्होंने कहा भी जा मेरे बच्चों की फीस भर के आ, ते चार बॉडीगार्ड भी रखे हुए क्योंकि साडा बिजनेस वड्डा। बॉडीगार्ड कौन ने? पुलिस वाले। मुंशी कौन ने? मैनेजर कौन ने? लीडर, क्योंकि जेडे लीडर होंदे ने वो लोगों का पैसा मैनेज करने लिए लोगों दी तनखाहां ते लगे मुलाजम ने, उही प्रशासन आ। तो वह बंदा जो बच्चों की फीस खा गया तो उन्हें मालिका ने पूछा भी हाँ भाई मेरे बच्चों की तू फीस खा गया की गल, जवाब दे इस गल का। उन्हें की किया, वो जी मालिका ने तनखाह दे के बॉडीगार्ड रखे उन्होंने कटाया, उन्होंने तो फड़वाया, मतलब कि साढ़े तनखाह ते रखे मैनेजर मालिका नूं दस रहे ने भी सानू ना पुछो तुहाडे पैसा असीं कित्थे बर्बाद कर रहे हैं, की कर रहे हैं। साडी रखी पुलिस, साढ़े दिते लोगों के टैक्स चो दिते तनखाहां नाल रखी पुलिस साढ़े ते जुल्म ढा रही है, मतलब मालक ढा ले ने। सो लोगों नूं अपनी तबीयत समझनी पैनी है, सोच नूं समझना पैना कि असीं मालक हाँ, पैसा असीं दिंदे हाँ, चाहे लीडर लीडर कोई नहीं हुंदा, ये मुलाजम ने सरकारी लीडर जिन्ने तनखाहां ते रखे हुए लोगों के टैक्स दियां तनखाहां ते। सो सच नूं समझो, नहीं अदरवाइज असी धरने आ, ते मेरे वीर ने कहा धरने धरने असी परहेज तां कर रहे हैं किसी भी वड्डा कट करन तों परहेज, क्योंकि करोना का माड़ा टाइम चल रहा, सानूं सारयां नूं इह गल समझण दी लोड़ आ।
पर सानू मजबूरन घर तो बाहर निकल के इस चीज़ के खिलाफ बोलना पैंदा क्योंकि धक्केशाही करन हड़दे नहीं। अज जिथे करोना के टाइम के लोग मर रहे ने ये अपनी राजनीति करन दे उत्ते लगे हुए ने कांग्रेस ने चाहे अकाली दल आले ने। सो यह शर्मनाक गल है कि जिथे देश के लोगों पंजाब के लोगों अज लोड़ आ सही नीतियां दी सहायता की जरूरत है तो ये एक पासे अपनी कुर्सी की खिचोतान से लगे हुए हैं। सो मेरी बेनती है कि मैं सरकार को भी बेनती करती हूँ, वैसे बेनती करन दे काबल नहीं क्योंकि बेनती सुनते नहीं है कि असी अज ते प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अदरवाइज थाने के बाहर असी धरना देिए तो इस माड़े टाइम के करोना के साडा दिल नहीं करता। साढ़े नौजवान जल्दी तो जल्दी ये केस के रिहा किया जाए। मेहरबानी। लोग मुद्दों पर गल करने वाला नौजवान है उदे ते नॉन अवेलेबल जिहड़ा परचा वह दर्ज किया गया। गलती की है जी, कहिंदे जी तुसी बैनर लाता, तुसी पोस्टर लाता, आ तुसी मुख्यमंत्री दे शहर च बैठे हो, इत्थों नाभे चले जाओ, इत्थों राजपुरे चले जाओ, आ संगरूर वाली सड़क ते चले जाओ। ऐसी किहड़ा चाहे कोई PWD दा होवे, चाहे कोई किसी होर सरकारी उहदा होवे, हर किते मुख्यमंत्री दी फोटो वाले, हर किते पता नहीं किन्ने के कांग्रेसी है उन्हां दी फोटो वाले बैनर लगे होंदे आ। कदे उन्हां ते परचा होया किसी ते? अकाली दल दे भी लगे होए आ, कदे परचा होया? आम आदमी पार्टी के जिला प्रधान से इस गल का परचा करता, कहते जी इन्हें पोस्टर लाया। वो हालांकि एक स्कूल का वह जो बोर्ड से उन्हें परमिशन लेके उन्हां तो जिहड़ा वह बैनर लाया परचा कर दिता गया। परचे का कारण बैनर नहीं, परचे का कारण असले है कि जिहड़ा वरिंदर बिट्टू वो इस गल ते बोलता सी कि जिहड़ा साधु सिंह धर्मसो जिहड़ा मंत्री है वह चोर है, उन्हें गरीबों के बच्चों के पैसे खाधे है, इस करके उन्हें दबाने लई उहदी आवाज़ नूं दबाने लई वह नौजवान ते जिहड़ा वह परचा दिता गया। यह कल्ला बिट्टू कहिंदा आ जिन्ने तुसीं खड़े हो, जिन्ने पंजाब के लोग आ सड़क पर जाके पुछ लो किहड़ा नहीं कहता भी साधु सिंह धर्मसो चोर है, सारे कहने असीं साडे सारयां दे परचा दिओ, मैं कहना भी साधु सिंह धर्मसो चोर है, पंजाब का बच्चा बच्चा कहिंदा कि तुसीं इस तरह परचे दे नाल जिहड़ी लोगों की आवाज़ है उन्हें दबा लोगे। जगह जगह पर पंजाब च इदा दे जिहड़े धक्केशाहियां सरकार कर रही है परचे पा रहे हैं। आ फिरोजपुर साडा एक यूथ का नौजवान, साडी उस दिन मीटिंग सी चंडीगढ़, उहदे ते 307 का परचा पाया गया। उस टाइम जदों साडे नाल बैठा अनमोल जी मेरे नाल बैठे साहब प्रधान, वह साडे नाल बैठा मीटिंग कर रहा सी, उस टाइम उहदे ते फिरोजपुर परचा पाया गया। एडी धक्केशाही, जे थोड़े कोल इन्ने काबिल अफसर ने, इन्नी काबिल पुलिस अफसर ने, तो जिहड़े पंजाब दे इन्ने पेंडिंग परचे पए ने, इन्ने पेंडिंग केस पए ने, तुसीं उहनां दी इनकुआरी क्यों नहीं करते? किन्ने केसिस पए ने? आ जिहड़ा SHO ने परचा दिता, जिहड़े डिप्टी ने परचा दिता मोगे वाले नूं, इहनूं देओ ना बरगाड़ी वाली इनकुआरी, जिहदा हजे तक फैसला नहीं हो रहा भी दोषी कौन है। इहनूं देओ ना जिहड़ा बटाले ब्लास्ट होया सी, इहनूं देओ भी जिहड़े आ थोड़े आए दिन ही शराबां फड़ियां जांदियां थोड़े जिले च, भी किहड़े MLA जिम्मेवार ने। लोग चीकां चीक मार मार कहिंदे भी सानूं पता किहड़े MLA जिम्मेवार ने, उहनां ते कोई कारवाई नहीं हुंदी। 126 बंदे 3 जिलों च मरे जहरीली शराब पीण कारण, अमृतसर, गुरदासपुर, तरन तारण, उत्थे SHO नूं लैके जाओ, पता करे भी किहड़े लोग सी दोषी सी, जिहड़े असल दोषी ने पंजाब दे विच। अज जिहड़ी पंजाब पुलिस दे बहुते जिहड़े लोग ने उहनां नूं प्रोटैक्ट करन दी कोशिश करदे आ, ते जेड़े कोई आम नौजवान आवाज़ बुलंद करते हैं उन्होंने जोड़ा परचे पा के उन्होंने दबाने की कोशिश करते हैं। साधु सिंह धर्मसो जी ने असं कहना चाहते हैं कि जे थोड़ी पुलिस वाकई इन्नी काबिलियत है, जे थोड़े च वाकई तुसी दोषियों से कार्रवाई करते हो, बिट्टू के तो तुम बिना किसी दोष च घंटे च कार्रवाई करती, तो नाभे की पुलिस पिछले 4 दिन तो ऐ लगी हुई है जिम्मे बहुत बड़ा गैंगस्टर फड़ना होंगे, पता नहीं कि जगह जगह पर जिप्सियां घूम रही हैं, कदे उहदे रिश्तेदारां दे घरे जांदे आ, कदे आम आदमी पार्टी के वर्करां दे घर जांदे, दसो बिट्टू कित्थे है? एडा किड्डा डाका मार लिया बिट्टू ने, कल्ले मंत्री नूं कहा भी चोर है जिहड़ा सारा पंजाब कह रहा है। आ देखो साढ़े हफ्ता हो गया फरीदकोट की खबर है, इसे मंत्री के महकमे ने जिन्हें पहला गरीब बच्चों के पैसे खाधे, एक 10,000 तकरीबन उत्थे शूगर मिल दे विच दरख्त सी, उहदा ठेका केवल 67 लाख रुपए च दे दिता गया। आम आदमी पार्टी ने उत्थे हफ्ता हो गया धरना ला के बैठिया, हुण जाके हफ्ते बाद जदों
थोड़े मीडिया राही खबर जगह जगह से चलन लग गई, लोगों तक पहुंचन लग गई। हूँ जाके हफ्ते बाद उत्थे जिहड़ी कटाई है दरख्तों की हूँ जाके बंद की है, 10,000 दरख्त का ठेका सिर्फ 67 लाख रुपए च, सिर्फ 600 रुपए का एक जो दरख्त है वह बनता है। कि तुम तो एडे एडे घपले करो, थोड़े से कोई कार्रवाई नहीं, तुम बच्चों फीसा खाओ, थोड़े से कोई कार्रवाई नहीं। जे थोड़े विरुद्ध बोलता है तो वो तुम कार्रवाई करके परचे करके उन्होंने दबाने की जी कोशिश करते हो। सो असी अज इसे मुद्दे पर मैं पटिया नाभे भी जाके आया, उत्थे भी मीडिया भी ब्रीफ किया। कल साढ़े वो बिट्टू की जमानत की अर्जी अदालत में लगी है। सो असी कानूनी लड़ाई भी जेड़े साढ़े साथी की लड़ रहे हैं, तो आने वाले समय च सियासी लड़ाई भी जो असी आने वाले समय च कोई रणनीति करनी है वह भी करांगे, क्योंकि असी नहीं चाहते कि असी हुण धरने ला के लोगों दी जिहड़ियां कीमती जानां ने वह जोखिम च पाइए। पर असी जे इस तरह धक्का करते रहे तो असी फिर किसी चीज़ की परवाह भी नहीं करांगे। तो मैं सरकारां नूं भी ते नाल नाल अफसरां नूं भी कहने चाहुंदे आ कि तुसीं लोगों की तनखा लोगों के टैक्स के पैसे चो लैंदे हो, ये थोनू कैप्टन अमरिंदर सिंह का साधु सिंह धर्मसोग नहीं दिता। तुसीं कानून के रखवाले हो, थोड़ी फर्ज है कि तुसीं लोगों की राखी करो, तुसीं स्टेट की राखी करो। ये जिहड़े कांग्रेस के वर्कर बन के काम कर रहे हो ये बंद कर दो, इहदा नहीं खमियाजा थोनू आने वाले समय च जिहड़े भी तुसीं धक्केशाहियां कर रहे हो थोनू सारयां नूं भुगतना पऊगा, ते जिहड़े थोड़े मंत्री आ इहनां नूं तां भुगतना पऊगा ही। ये माफ कर सकदे रणीके नूं जिहड़े पहलां एससी बच्चिआं दी स्कॉलरशिप काढ़ी, क्योंकि इहनां दी एक दूजे नाल सांझा ने, पर ना असीं थोनू माफ करना ना ही रणीके नूं करना, ते ना ही जिहड़े इदां दे धक्का करदे आ इहनां नूं माफ करना। कानून मुताबिक सारयां लोकां ते जिहड़ी है चमत्कार होते हैं देखें अपनी आंखों के सामने, 3 घंटे में हर समस्या का हल पाओ, 7 इल्मों के माहिर मौलाना कबीर खान। मेरे किए को कोई काट नहीं सकता, मन चाहा प्यार, पति पत्नी में अनबन, काले जादू से खात्मा, बीमारी में दवा का ना लगना, वशीकरण करवाओ, जिसे चाहे उसे अपने वश में करें, लॉटरी नंबर पाओ, धोखेबाज प्रेमी प्रेमिका सौतन दुश्मन को अपनी आँखों के सामने तड़पता देखें। मौलाना कबीर खान, फीस नहीं इनाम लूंगा, धोखा नहीं काम करूंगा, सभी जगह से निराश लोग एक बार जरूर मिले, संपर्क करो, मोबाइल नंबर +91 9592 488 3 4 7।